अर्श ने सीबीएसई के तीन बड़े अफसरों से पूछताछ की। इन तीनों अफसरों को पेपर छपने से लेकर उसे रखने और डिस्ट्रीब्यूट करने तक की गोपनीय जानकारी होती है। क्राइम ब्रांच ने 18 छात्रों और 5 ट्यूशन टीचर से भी पूछताछ की है। आने वाले समय में पुलिस जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकती है। सभी लोगों से पूछताछ चल रही है और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी ये जो पूरा कंस्पिरेसी है इसको अनर्थ किया जाए कि पेपर लीक कैसे हुआ और कहां से। लीक हुए दो पेपर्स के एग्जाम की नई तारीख का ऐलान अगले हफ्ते किया जा सकता है। सीबीएसई ने बुधवार को 10वीं का गणित और 12वीं के इकोनॉमिक्स की परीक्षा रद्द कर दी थी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात के संकेत दिए कि सीबीएसई नई तारीख का ऐलान सोमवार या मंगलवार को कर सकती है। ये सीबीएसई के लौकिक को एक दाग लगा है और इसलिए जिन गुनहगारों ने ये लीक का काम किया है उनको बख्शेंगे नहीं। बच्चों के फेवर में ही डिसीजन लिया है, हम फेयरनेस के इंटरेस्ट में डिसीजन लिया है और बहुत जल्दी उनको हम डेट बताने वाले हैं और बच्चों के फेवर में ही डिसीजंस होंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वहीं पेपर लीक को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और सीबीएसई चीफ को तुरंत हटाने की मांग भी की। पेपर आए इजी लगा हम लोगों को, लगा सीबीएसई ने कम से कम हमारे अकॉर्डिंग बनाया, लेकिन अब पेपर लीक हो चुके हैं। इन बच्चों ने मेहनत करी, उनका भी टाइम वेस्ट हो गया। अपनी आप गलती मानो ना, 28 लाख बच्चे हिंदुस्तान में पेपर दे रहा, वो सब तो वापस थोड़ी देंगे अपना पेपर, करना है सारे कंडक्ट करो आप।